तो क्वेश्चन है कि द रिएक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड जीरो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू वाई। इसका मतलब अगर मुझे इसका रेट लिखना है तो रेट ऑफ रिएक्शन इज रेट कांस्टेंट इनटू एक्स रेस्ड पर वन एंड वाई रेस्ड पर जीरो। सही है। इसका मतलब ये हुआ कि इट इज सिंपली के इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स। ठीक है। अब आगे है कि चार एक्सपेरिमेंट किए, एक्स का कॉन्सेंट्रेशन दिया है, वाई का और उनका रेट दिए। आपको सेकेंड एक्सपेरिमेंट की कॉन्सेंट्रेशन एक्स की नहीं दी है और थर्ड में एम नहीं दिया, मतलब इनिशियल रेट नहीं दिया है थर्ड एक्सपेरिमेंट में। तो हमें एल और एम फाइंड आउट करने हैं। ठीक है। तो पहले हम चारों रिएक्शन लिख लेते हैं। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में जो रेट है वो है 2 × 10⁻³ एंड इज इक्वल टू के इंटू 0.1। सही है। तो सिंपली इसको अब स्क्वायर ब्रैकेट में लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 0.1 कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब ये हो गया सिंपली 0.1 के। सही है। अब सेकंड एक्सपेरिमेंट, सेकंड में क्या है 4 × 10⁻³ दैट इज इक्वल टू एल इंटू के, के रेट कांस्टेंट है। थर्ड एम इंटू 10⁻³ दैट इज इक्वल टू 0.4 × k। और फोर्थ एक्सपेरिमेंट में क्या है 2 × 10⁻³ दैट इज इक्वल टू 0.1 × k। क्योंकि y चेंज होगा तो रेट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सर आपने फर्स्ट जो दिया था फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू x एंड जीरो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू y, तो फर्स्ट ऑर्डर हो गया ना x की पावर 1, y की पावर 0। ओवरऑल ये फर्स्ट ऑर्डर है, बट जो फर्स्ट ऑर्डर है वो किसके रिस्पेक्ट में है x और y के रिस्पेक्ट में 0। तो जो पावर है वो ही लिखनी, समझे? क्योंकि उसने ऐसा नहीं बोला कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन ही लिखा है उसने, अलग अलग लिखा है कि इट इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू x, तो x की पावर 1 है और 0 ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू y, मतलब y की पावर 0। तो हम ऐसे लिखेंगे सेम, यानी ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया और इट इज फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू इसका मतलब हमारे पास जो कंप्लीट इक्वेशन है वो ये है जिसमें सब दिया है। तो इसको यूज करके, इसको रेफरेंस लेके वी कैन कैलकुलेट सेकेंड, वी कैन कैलकुलेट थर्ड। तो पहले क्या करते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो पहला ले लिया मैंने फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो इसको मैं ऐसे करता हूं, सेकेंड को ले लेता हूं ऊपर और फर्स्ट को नीचे, इक्वल टू एल टू के अपॉन 0.1 k। इसको हम लोग के से k कैंसिल, इधर 10⁻³ कैंसिल, 2 से ये 2 आ गया, तो यहां से l क्या आ गया 0.1 इधर आएगा, क्रिस क्रॉस होगा ना, तो 0.1 × 2 तो l आ गया 0.2, तो l की वैल्यू होगी 0.2। अब आ जाओ फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। अब फर्स्ट और थर्ड में अगर हम देखेंगे तो ये m
इंटू 10^-3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10^-3 दैट इज इक्वल टू 0.4 के अपॉन 0.1 के। तो ये तो कैंसिल हो गया, कितना आ गया 4, ये कैंसिल, तो क्रिस क्रॉस होगा तो 2 इंटू 4 मतलब m कितना हो गया 8, तो इसका मतलब l आ जाएगा 0.2 और m आ जाएगा 8, खत्म। ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए था कि x की पावर 1 है और y की पावर 0 है, एंड देन यू विल पुट द वैल्यूज एंड रेस्ट इज मैथमेटिक्स, हो जाएगा। तो दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम JEE 2022, और ऐसे क्वेश्चन